गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन जो अक्टूबर में लॉन्च होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अभी तक चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त अभी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, पहले नंबर पर आता है हमारा MI का 10T Pro जो है 5G मोबाइल फ़ोन है। और इसमें बात करें फीचर के बारे में, इसमें हमें क्वालकम का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलता है। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस मोबाइल में हमें सुपर अमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिलती है। और कैमरा के बारे में बात करें तो इस मोबाइल में हमें 64 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। गाइज, बात करें रैम एंड स्टोरेज के बारे में तो MI 10T Pro में हमें 6 GB का रैम प्लस 64 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। गाइज, बात करें बैटरी बैकअप के बारे में तो इस मोबाइल में हमें 5000 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। अभी बात करें प्राइस के बारे में तो इसका प्राइस 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में आने वाला है। अभी बात करें कि ये लॉन्च कब होगा तो ये होने वाला है अक्टूबर के लास्ट में। गाइस, दूसरे नंबर पर आता है हमारा रेडमी का 9A और 9i। इन दोनों में हमें काफ़ी सारे फीचर सेम देखने को मिले हैं, लेकिन जहाँ पर हमें फ़र्क देखने को मिलता है बात करें फीचर के बारे में तो रेडमी के 9A में हमें MediaTek का हीलियो G25 प्रोसेसर देखने को मिलता है। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इसमें हमें 6.53 इंच की डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है। गाइस, बात करें कैमरा के बारे में तो इसमें हमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 2 GB का रैम प्लस 32 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। और बात करें प्राइस की तो इसका प्राइस 6500 से लेकर 7000 का देखने को मिलता है। और लॉन्च की बात करें तो ये अक्टूबर के 1st एंड 2nd वीक में लॉन्च होने वाला है। गाइस, बात करें रेडमी के 9i के बारे में तो इसमें हमें सेम MediaTek हीलियो G25 प्रोसेसर देखने को मिलता है। डिस्प्ले साइज 6.53 इंच की है, कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। और जहां पर हमें फ़र्क देखने को मिल जाता है रेडमी के 9A और 9i में, हमें इस मोबाइल में जो रैम एंड स्टोरेज है वो 4 GB की रैम प्लस 64 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। गाइस, बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। और बात करें प्राइस की तो इसका प्राइस है 8000 से लेकर 8500 तक। और लास्ट में बात करें लॉन्च की तो ये मोबाइल होने वाला है अक्टूबर के 1st एंड 2nd वीक में। गाइज, अब आता है असूस का ZenFone 7 एंड 7 प्रो। दोनों ही मोबाइल के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम देखने को मिले हैं। पहला प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 865 और 865 प्लस देखने को मिला है। गाइस, बात करें डिस्प्ले के बारे में तो दोनों की डिस्प्ले हमें 90Hz सुपर अमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिली है। अभी बात करें कैमरा के बारे में तो दोनों में हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। अभी बात करें बैटरी बैकअप के बारे में तो दोनों ही कैमरा में हमें 5000 mAh की 30W पर चार्जिंग बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। और लास्ट में बात करें लॉन्च डेट के बारे में तो ये मोबाइल लॉन्च होने वाला है अक्टूबर के एंड में। गाइज, लास्ट में आता है हमारा ओप्पो का F21 Pro। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। अभी बात करें ओप्पो के F21 Pro के बारे में तो इसमें हमें MediaTek का हीलियो P95 प्रोसेसर देखने को मिलता है। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इसमें हमें सुपर अमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिलती है। गाइस, बात करें कैमरा के बारे में तो इसमें हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड AI कैमरा देखने को मिलता है। अभी बात करें रैम एंड स्टोरेज के बारे में तो इसमें हमें 8 GB की रैम प्लस 128 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। गाइस, बात करें बैटरी बैकअप के बारे में तो इसमें हमें 4500 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। और बात करें प्राइस की तो इसका प्राइस है 25,500 से लेकर 30,000 तक। और लॉन्च डेट की बात करें तो ये मोबाइल भी अक्टूबर की लास्ट में लॉन्च होने वाला है। गाइज, ऑलमोस्ट हमें सारे मोबाइल की फीचर सेम देखने को मिलते हैं।
आपको कौन सा मोबाइल फोन बढ़िया लगा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।